आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही अभी तक की वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट के पाए जाने, कोविड की तीसरी लहर की आशंका और देश विदेश में इसके दुष्प्रभावों पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में विशेषज्ञों की राय पर भी विचार किया गया। मनुष्य जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी कांवड़ यात्रा को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को यथोचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये भी निर्देश दिए कि पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जाए, ताकि वैश्विक महामारी को रोकने में हम सफल हो सके। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। हमने पिछले काफी दिनों से बहुत इसकी एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरियंट एक वहाँ पर खतरपूर्ण पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित कर दी। सर, यूपी के चीफ मिनिस्टर तो कह चुके हैं कि 25 से हम शुरू कर रहे हैं, अब कैसे हम कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी लगाना है। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसी स्थितियाँ आई हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम यात्रा नहीं करेंगे। सर, अगर बॉर्डर के अंदर कोई कावड़िया आते हैं तो उनको रोका जाएगा, क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? सर, हम सभी से अपील करते हैं कि चूंकि कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए लोगों का जीवन बचाना ज़्यादा जरूरी है और भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी की जान जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर।